आंटी आज हम अंकल की बहुत तबीयत खराब है, एडमिट है वो हॉस्पिटल में। क्या कैसी है? I'm sorry, he's no more. हौसला करो अहमद, प्लीज। बाबा, बाबा मुझे क्यों छोड़ दिया आपने? बाबा, मैं कुछ नहीं कर सका आपके लिए, कुछ नहीं। अहमद, अहमद क्या हुआ? बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ तुम्हारे बाबा को? मर गए बाबा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जिद के आगे अपनी जिंदगी हार गए। अहमद मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अहमद तुम्हारे बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं नहीं, आज इनको कुछ नहीं हो सकता। बानू, बानू बाबा ने तावीज दिया था ना, वो कहाँ है मुझे दो, मैं अभी जलाती हूँ। आज इनको होश आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। बाबा जी से बोलो ना, उन्होंने मुझे कहा था ना कि आज मुझे खुद चलकर आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे। हसीना, हसीना खुद को संभालो, हमें आने में देर हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता बानू, आज तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बानू बाबा जी को बोलो ना, आसिम 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 मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। हसीना, आजम भाई इस दुनिया में नहीं रहे, संभालो खुद को। आसिम, आसिम मुझे माफ कर दो। Thank you.
अकेले क्यों आए हो? बाबा कहे तुम्हारे, क्या पूछ रही हूं मैं, तुम अकेले क्यों आए हो? उन्हें क्यों नहीं साथ लेकर आए? कोई चला जाए तो हम चाहे भी तो उसे वापस नहीं लेके आ सकते। ऐसे कैसे छोड़ के चले गए वो मुझे? चंद घंटों के लिए तो मैं गई थी, उजाड़ के रख दिया इसने मेरा घर, मुझे तना छोड़ दिया, उजाड़ दिया इसने मेरा घर। मम्मा और क्या चाह रही हैं आप? मैं कुछ नहीं चाह रही। ये मनहूस लड़की जब भी मेरे घर आई है कुछ ना कुछ जरूर करके गई है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे शौहर को मार दिया इसने। ले जाओ इसे यहाँ से। पागल हो चुकी है आप? अहमद, पागल। अहमद, मेरे बाप का क्या कसूर है? अहमद, सब कुछ आपका किया धरा है। ताल्लुक है, तुम सब का ताल्लुक है। जब से ये मनहूस लड़की इस घर में आई है मेरे शौहर को निगल गई, मेरा घर बर्बाद करके रख दिया इसने। इसे को यहां से चली जाए मेरे घर से, निकल जाए मेरे घर से। ये मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। अहमद चले, अहमद प्लीज आपको मेरा वास्ता, चले अहमद चले। और सुनो, अगर मेरी याद भी तुम्हें आए ना तो इससे ताल्लुक तोड़ के आना। मेरी शक्ल भी मत देखना, तो ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फैमिली की फिक्र हो रही थी। आजम अंकल की डेथ के बाद सब लोग कितने अपसेट होंगे ना। देखो अनुषा, तुम्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये आजम भाई का सदमा बेटा, अहमद और फरहाना के लिए बहुत गहरा और बहुत अचानक है। जी बेटा, बहुत समझदारी और मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। क्या करूं अहमद, कि तुम सब इस कर्ब से निकल जाओ। अनुषा, आर यू ओके? यस आई एम फाइन, मुझे क्या होना है? नहीं, वो मेड बता रही थी कि मामा आई थी। हाँ आई थी, लेकिन मैंने उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन तुमने तो, देखो शहजाद, मैंने खुद उनको घर से बाहर निकाला है, क्योंकि अब ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो इस तरह से मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करें। लेकिन अनुषा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो इस तरह से मेरे घर में नहीं आ सकती। मैं इस घर का हिस्सा हूं अब, मेरी तमाम लॉयल्टीज इस फैमिली के साथ है। अनुषा, इट डजंट लुक नाइस। मैं अब इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहती। लेकिन अनुषा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी फैमिली की फिक्र हो रही थी। आजम अंकल की डेथ के बाद सब लोग कितने अपसेट होंगे ना। देखो अनुषा, तुम्हें किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा है। कैसे फिक्र ना करूं, ये सब लोग मेरे अपने हैं। फॉर गॉड सेक अनुषा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। देखो शहजाद, अब तो मैंने अपनी मॉम से भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्या अब भी तुम मुझसे ही खफा हो? मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूं, मैं तुमसे खफा हो ही नहीं सकता, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। Oh.
फरा, I'm really sorry. हम समझते हैं कि आपने कितनी कठिन जिंदगी गुजारी है, लेकिन I swear, इस कठिन की शिद्दत का जितना एहसास हमें आज हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। मगर एक बात का वादा करते हैं हम आपसे, आपके हर जख्म पर मरहम हम रखेंगे। I'm always with you, Farah. ज्यादती हुई है अंकल के साथ। जिस जिसके साथ जो ज्यादती हुई है सबका जिम्मेदार मैं हूं। नहीं अहमद, ऐसा मत कहो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, कर्ब और तकलीफ में अकेला रहेगी। मुझे तो मिलना चाहिए था पापा से, घर पे ना सही बाहर तो मिल सकता था मैं। मैंने भी अकेला छोड़ दिया था। अकेला अपने नहीं बल्कि हम सबने उन्हें अकेला छोड़ दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंकल हम इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। देखो अहमद, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। प्लीज, क्या हो गया तुम्हें, अपने आप को संभालो। अहमद, खो गया हूं मैं, टूट चुका हूं मैं, इतनी कर्ब इतनी तकलीफ में अकेला रह गया हूं। पापा भी मुझे छोड़कर चले गए और मामा, मामा को हम सब चाहते थे और पापा तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे उनसे। देखो अहमद, अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद करते हैं, अल्लाह पाक किसी में रजा थी बस। ए बाप, मैं जा रहा हूँ, घर वगैरह देख लूँ फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अहमद, इस तकलीफ में मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बाप, मैंने इतने तजुर्बात से ना खुद गुजरना चाहता हूँ ना तुम्हें गुजारना चाहता हूँ। मैं घर ले लूँ तो फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, चलता हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। तो सो जाते हैं ना, आप थक गए होंगे। हाँ, मैं सोने ही जा रहे थे हम। कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है? नहीं, सब लोग जा चुके हैं। आपको कोई काम है तो आप मुझे बता दें। नहीं नहीं बेटा, आप जाइए, सो जाइए। आपको इस वक्त अहमद के पास होना चाहिए। नहीं, आप मुझे बता दें, मैं आपका काम कर देती हूँ। बस वो चाय पीने को दिल चाह रहा था तो मैं बना देती हूँ दाल। अच्छा, फिर अहमद? वो नींद की मेडिसिन खाकर सो गए। अच्छा, तो चलिए फिर हम और आप बैठ के चाय पियेंगे। और फराना पप्पो? वो तो सो गई है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। और शहजादी, आप ये पूछना चाहते थे कि हमने फराह के साथ शादी का फैसला क्यों किया?
हाँ लेकिन ये खातून ही वजह थी। इन्हीं की वजह से? जी हाँ, सबसे पहला मुहर्रिक वही खातून। डैड आपने जब ये सब कुछ सुना तो अनुज, रुशद तुम इस सारे मामले में उनके साथ थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। मैंने हिबा और डैड को बहुत अजियत से गुजरते हुए देखा। अगर तुम अपना प्रॉमिस भूलें तो मैं नहीं जानता कि मैं आगे क्या कर जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो पैर स्लिप हो गया था। ऐसे हम नोटिस कर रहे हैं बेटा कि आप ना अपना ख्याल कर रही हो ना हमारा। शादी के बाद ऐसा हो जाता है? नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पता नहीं, सब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा। बेटा जिंदगी गुजारनी है ना तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्या मतलब? ये आजम भाई का सदमा बेटा अहमद और फरहाना के लिए बहुत गहरा और बहुत अचानक है। जी बेटा, बहुत समझदारी और मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा अहमद को जिंदगी में वापस आने के लिए। जानती हूँ डैड। एक तरफ ये अनुशे की हालत, फिर फरा भी बहुत ही सदमे से गुजर रही है। समझ में नहीं आ रहा है इस घर की मैनेजमेंट का क्या होगा। डैड मैं संभालूंगी, आप क्यों परेशान हो रहे? जब तक अहमद घर नहीं ले लेते तब तक मैं संभालूंगी हर चीज। नहीं बेटा, हम आप पर बर्डन नहीं जानना चाहते। आप पर और अहमद पे पहले ही बहुत बर्डन है। सब हो जाएगा मैनेज डैड। मैं पहले भी तो इस घर को मैनेज करती थी स्टडीज के साथ साथ। हिबा बेटा, पहले की बात और थी, आपकी अपनी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। मैं सब मैनेज कर लूंगी डैड, आप बस परेशान मत हो। बेटा बस आप परेशान होना छोड़ दें, हमें यकीन है हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। I'll try dad. हिबा बेटी, आपको पता है ना आप हमारा फखर है, लेकिन कभी कभी हम डर जाते हैं। किस बात से? जिस तरह से आपकी सास हमें डिफाइन कर रही थी। दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी हमारे बारे में। प्लीज डैड, उनके बारे में मत दोहराया करें। आप मुझे परेशान नहीं देखना चाहते ना, तो मैं भी आपको परेशान नहीं देखना चाहती। डैड, हमारी जिंदगी आम लोगों के एंगल से कभी भी नॉर्मल नहीं थी। ना ही आपका और मेरा प्यार नॉर्मल था, ना ही आपने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है वो नॉर्मल थी। तो फिर आप अब क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मत सोचे इस दुनिया के बारे में, सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड। इंशाल्लाह। अच्छा आप सो जाएं जाके बेटा, अहमद ना उठ गए हो, परेशान होंगे कि आप कहाँ हैं। लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप इस सारी बातों के बारे में नहीं सोचेंगे। प्रॉमिस, नहीं सोचेंगे। जाएं आप, गुड नाइट। गुड नाइट, आप भी सो जाइए। ओ खुदाया, अगर ये इम्तिहान है हम सबका तो आप मदद फरमाइए हमारी। अब कोई रिश्ता ना टूटे, किसी पर कोई आंच ना आए, खास तौर पे हमारी बेटी हिबा पर कोई तकलीफ ना हो जिया खुदाया। हम मास लगाए रखते हैं, वो साथ छुड़ाए जाते हैं। पहले अपने लगते हैं, फिर और किसी के हो जाते हैं।
काश कोई कहते कि आजम अंकल की डेथ की खबर गलत है। काश कोई ऐसी चीज होती कि हम एक दूसरे के जख्मों का मरहम बन सकते। क्या करूं अहमद कि तुम सब इस कर्ब से निकल जाओ। शहजाद साहब आपको बुला रहे हैं, अनुषा मैम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे से मैं मोहब्बत बांटना है। लेकिन हम आप पर मोहब्बत लुटाना चाहते हैं, और इन मोहब्बतों के बदले आपको पता है हमें क्या चाहिए? क्या? आपके दुख। वैसे मौका तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन देख लें क्या आपकी नंद के नखरे हैं। ऐसे तो नखरे मेरी बेटी के भी नहीं है जैसे आपकी नंद के उस घर में है। हे बाब, उठो यहाँ से, यहाँ आके बैठो। क्या हुआ अहमद? उठो, ऊपर आओ। क्या हुआ? तुम रेस्ट कर लो, तुम सो जाओ यहाँ आके। तुमने कभी रेस्ट नहीं किया था। नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें कहा ना, तुम आके रेस्ट करो, सो जाओ तुम। लेकिन तुम? लेकिन क्या? क्या हो गया अहमद? सो जाओ यहाँ आके। नहीं, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। ऐसे तुम बहुत बहादुर हो अहमद, और मुझे यकीन है कि तुम। हे बाप, बहादुर से बहादुर इंसान भी अपने के दिए हुए जख्म सह नहीं पाता। काश ये तकलीफ मुझे अपनों के अलावा किसने दी होती। अम्मा के अलावा किसी ने दरवाजा बंद किया होता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती। और पापा तो मुझसे लड़े भी नहीं, शिकवा भी नहीं किया, गिला भी नहीं किया, से मिले बगैर चले गए। मुझे बहुत दुख है अहमद, बल्कि एक बोझ है मेरे दिल पर। काश हालात ऐसे ना होते और हम उनके साथ वक्त गुजार सकते। ये बाप, उन्हें दूर रह के ही मुझसे हमेशा मोहब्बत की है, और मैंने शिकवे पाल रखे थे उनके लिए। फिर क्यों किया मामा ने ये सब? कुछ गलत फहमी क्यों पैदा किया हमारे दरमियान? अब मैं कभी अलग नहीं होता, वापस उनके पास चला जाता अगर वो ये सब कुछ नहीं करती हमारे साथ। वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता अहमद, मुझे तुम्हारे कर्म का एहसास है। कौन? बीबी, शहजाद साहब आपको बुला रहे हैं, अनुषा मैम की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं जाऊँ? हाँ चले जाओ। मैं आती हूँ 2 मिनट में। क्यों मामा, आपने क्यों किया ऐसा? क्या कोई अपने औलाद की जिंदगी इस तरह उजाड़ता है? क्यों मामा? हाँ ठीक है, मैं फ्री होके बात करता हूँ। ओके अनुषा, आओ।
और यहाँ आराम से आराम से लेट जाओ। क्या हुआ भाई? अनुषा तुम ठीक हो? नहीं कहा, रात से वॉमिटिंग हो रही है। तुम रात को बताना चाहिए था ना डॉक्टर को कॉल की। हाँ मैंने कर दिया डॉक्टर को कॉल, वो कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, बस खाने पीने का ख्याल रखें। अच्छा तो फिर कुछ खाने के लिए दिया? नहीं कहा, डॉक्टर ने जो बताया वो मुझे बनाने नहीं आता और मुलाजमा का बना हुआ अनुषा पसंद नहीं करती। हाँ तो ठीक है ना, मुझे बता दे मैं बना दूंगी। और वैसे भी अनुषा इनके हाथ के बने हुए खाने पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। दुबई में कुछ सीख गए हो बनाना तो एक अलग बात है, वरना यहाँ पे तो इन्हें अंडा भी फ्राई करना नहीं आता था। अच्छा मुझे बताएं कि क्या क्या बनाना है। मैं तुम्हें डॉक्टर का एसएमएस फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, आप अनुषा का ख्याल रखिए, मैं बना के लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मोहब्बत हो गई हमें आपसे। ऐसे तो आप हैं ही मोहब्बत करने वाली चीज, लेकिन जिस तरह से आपने जिंदगी को फेस किया ना फिर, उसमें आपकी भाभी को देखकर कुछ सोचता रहता हूं। क्या कोई ऐसे भी रिश्ते निभाता है क्या? पता है शुजात, कुछ लोग पैदा होते हैं मोहब्बत बांटने के लिए और कुछ मोहब्बत हासिल करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद मेरे जिम्मे मोहब्बत बांटना है। लेकिन हम आप पर मोहब्बत लुटाना चाहते हैं, पर इन मोहब्बतों के बदले आपको पता है हमें क्या चाहिए? क्या? आपके दुख। पर हमें, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप खुलकर मुस्कुराएं। लेकिन जो चले गए फरा, वो भी यही चाहते थे कि तुम हमेशा खुश रहो। हाजुम भाई का बहुत दुख है हमें, लेकिन उनके लिए, अहमद के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। आप कोशिश करूंगी। अहमद क्या हुआ है बोलो ना। कुछ नहीं हुआ, दम घुटने लगा है मेरा, खुद से और अपने हालात से चिढ़ होने लग गई है मुझे। हरास हो? नहीं, तुम जाओ, जाकर अपने सारे काम करो, मैं भी कहीं ना कहीं जा रहा हूं। कहां? कुछ नहीं पता कहां। अहमद नहीं, बात अहमद। एक कप चाय भेजिएगा। हाय वाह, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दानियल अभी अहमद बहुत गुस्से में घर से गए। कहाँ? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ शायद कब्रिस्तान। गुस्से में गया है, घर में सब ठीक तो है ना? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम प्लीज जरा पता लगाओ कि वो कहाँ है। हाँ मैं वैसे भी उसे कॉल करने लगा था, लेट मी चेक। अब तुम परेशान नहीं होना, ओके? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। दाफिस। ओके, दाफिस। जो जिंदगी ने कंफ्यूज कर दिया है बाबा, क्या गुनाह था मेरा, मैं हमेशा आपके मम्मा पप्पो के दरमियान आखिर कसूर क्या था मेरा? आप और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त थे, आप इस तरह बिछड़ गए, मैं क्यों शादी के बाद इस तरह दरबदर हुआ? पापा मेरा कसूर क्या है, आखिर क्यों बिछड़े आप? आखिर क्यों?
देखो अहमद, इसी का नाम जिंदगी है। जो दुनिया में आया उसने कभी ना कभी वापस जाना है। अंकल की बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये थी कि वो तुम्हारा घर हंसता बसता देखना चाहते थे, पर ये बात उन्होंने मुझे खुद कही थी। क्या हुआ कहीं? हाँ अहमद, तुम्हें इस दुख से निकलना होगा। अपने लिए और हिबा के लिए खुशियां छीननी पड़ेंगी इस जिंदगी से। बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब चीजों को छोड़ दो अहमद, सिर्फ अपनी हिबा की जिंदगी पे फोकस करो। शी रियली नीड्स यू। मैं शायद उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। क्यों सोचते हो ऐसे? ये सब कुछ मेरे गलत फैसलों की वजह से हुआ। ना बाबा से रूड बिहेवियर रखता है, ना घर जाने के रास्ते बंद करता हूँ, और ना बाबा को कुछ आता है। देखो अहमद, खुदा के लिए समझ सोचो। तुम्हें आंटी ने घर से निकाला, आंटी ने तुम्हारी वापसी के रास्ते बंद किए थे, और वो पैसों वाला मसला। I'm sorry यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, लेकिन जो कुछ किया वो आंटी ने किया, तुमने कुछ नहीं किया, और तुम किसी की मौत के सबब नहीं बन सकते हो। जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। जिसकी जहां जैसे जिस तरह से लिखी है वैसे ही आनी है। बाबा मुझसे नाराज तो नहीं थे? नहीं थे नाराज, बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो शर्मिंदा थे। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो सबसे शर्मिंदा थे। और देखो अहमद, अगर तुम उनको सुकून देना चाहते हो तो तुम्हें वापस उन सबको खुशियां देनी पड़ेंगी। अपनी फुफो को, हिबा को, सबको, अपनी फैमिली को। क्या हुआ? हिबा को कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं उसे सुबह से कुछ खाया होगा या नहीं। हाँ तुम हिबा को कॉल करो, मैं भी कुछ देख के आता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मेरे लिए चाय बोल देना। ओके, मैं बोल देता हूँ। हाय अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बहन तुम्हारा घर कैसे उजड़ गया? तुम्हें देख के मेरा दिल फटता है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया ये सब कुछ आनन फानन। अब तो रो रो के आंसू भी खुश्क हो गए। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या। तुम्हारे बाबा जी की मुझे कुछ समझ में नहीं है। अगर उनको मारना ही था, फरहाना थी, हिब्बा थी, शुजात था, मेरा मियां क्यों मरा? तौबा करो हसीना, अरे मौत तो अल्लाह के हुक्म से आती है, अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है। तुम चाहती थी ना कि अहमद तुम्हारे कदमों में आ जाए, तो वो आ गया था, लेकिन कोई ना कोई तो वजह बनती है मेरी बहन। बाबा ने तो अपना काम कर दिया था ना। ऐसे कहा था मैंने, अगर कोई वजह थी तो वो बताते तो सही ना। अच्छा अब उल्टा सीधा मत बोलो, सब्र से काम लो, सब्र करो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। सब्र के अलावा मेरे पास है ही क्या और कुछ करने को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कौन? मैं अनुषे की मदर हूँ। जी तशरीफ रखिए। थैंक यू। आप किस लिए आई हैं? बताती हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। वैसे बहुत अफसोस हुआ आपके शोहर का सुन के। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। आपकी तो बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई होगी। वो कैसे? मेरा मतलब है आपको कैसे पता चला? आप बहुत यंग लगती हैं, अभी भी लगता नहीं है कि आप अहमद की माँ हैं। और बिलीव मी, उसकी शादी में तो आप उसकी बड़ी बहन लग रही थी, माँ तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। अहमद मेरा बहुत छोटी उम्र में पैदा हो गया था, बेजोड़ शादी थी और बस अल्लाह को जो मंजूर। अरे तुम्हारी कौन सी उम्र निकल गई है, 34-35 साल की उम्र में तो शादियां हो रही हैं आजकल। वैसे मौका तो नहीं है ये बात करने का, लेकिन देख लें क्या आपकी नंद के नखरे हैं। ऐसे तो नखरे मेरी बेटी के भी नहीं हैं जैसे
आपकी नंद के उस घर में। इतनी देर इंतजार क्यों करवाया मुझे? तुम्हारे लिए ये सरप्राइज। क्या कर रही हो? छोड़ो। बिखरी हुई चीजों को समेटना आता है मुझे। दिल होना चाहिए समेटने के लिए। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि नॉक किए बगैर कमरे में मत आया करो? समझ नहीं आती, निकलो यहाँ से। अनुषा आपको क्यों डांट रही थी? वो मैंने उनकी बात सुन ली थी। कैसी बात? वो फोन पे किसी से कह रही थी कि जिन घरों पे नंदों का राज हो ना, वो घर कभी भी आबाद नहीं होते।